हमारी के समय में सबका फर्ज बनता है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसकी चिंता सबको मिलकर करनी चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज की सोच को देखते हुए अम्बाला छावनी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के दूसरे जिलों से लोग अनिल विज द्वारा अम्बाला छावनी में चलाए रहे राशन वितरण अभियान में सहयोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर बोलते हुए बताया कि डॉक्टर सुभाष शर्मा ने 100 क्विंटल चावल उपलब्ध कराए हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। 1000 फिटे पूरी बैग जो हम लोगों को देते हैं, जिसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, तेल नमक, वो रोहतक से देने के लिए आए। और बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है लगातार यहाँ पर सूखा अनाज वितरण केंद्र हम चला रहे हैं। लगभग 5000 परिवारों की हमने सूची बना रखी है, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके वो सूची तैयार की है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हर हफ्ते हमारे कार्यकर्ता उनके घर जाकर एक किट दे जाते हैं, ताकि इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में जो जरूरतमंद परिवार हैं कोई भी भूखा ना रहे, ये हमारा। सर देखा गया यमुनानगर, रोहतक और हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आपकी ये मोदी है वो रंग लाने लगी है? नहीं, लोगों की भावना है और ये अच्छी बात है कि ऐसे समय में लोग आगे बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं।